तो लो भाइयों, स्टार्ट हो गया ट्रैक्टर का काफिला। और काफी सारे ट्रैक्टर हैं यहाँ पे, और देखने को भी मिल रहा होगा। हमारे गांव के प्रधान भी खड़े थे वहां पे, और बड़े बुजुर्ग भी हैं। देखो भाई कितने सारे ट्रैक्टर हैं, और अभी अभी तो आन लग रहे ट्रैक्टर, और देख सकते हो भाई वो ट्रैक्टर है। तो भाइयों देख सकते हो कितनी भीड़ है यहाँ पे। तो भाइयों ये भीड़ ऐसी नहीं है, जयंत चौधरी जी के स्वागत के लिए है। जयंत चौधरी जी आ रहे हैं दबथवा गाँव में। तो भाइयों जैसा बताया था कि जयंत चौधरी जी आने वाले हैं, तो जयंत चौधरी जी आ गए और पब्लिक का क्राउड देखो कितना है। तो भाई जयंत चौधरी जी बहादुरपुर गांव है दबथवा के पास में ही, वहाँ पे अन्नू रानी एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल लेकर आई है, तो ये उनके सम्मान समारोह में जा रहे हैं। तो भाई हम भी चलेंगे, बाकी वीडियो दिखावेंगे आगे। अभी फ़िलहाल देखो यहाँ पे बड़े बुजुर्ग इन्हें अपना आशीर्वाद देते हुए। तो भाई आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं वीडियो आपको। तो भाइयों चल दिए बहादुरपुर गांव की तरफ। तो भाइयों घनी मात्रा में पब्लिक यहाँ पे आ रही, और काफ़ी बाइक भी हैं, गाड़ी भी हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली भी हैं, तो बहुत सारी पब्लिक जा रही है। और आगे दिखाऊंगे तुम्हें वीडियो, चलो। तो भाई लो ट्रैक्टर आने स्टार्ट हो गए, जैसा बताया था काफ़ी सारा काफिला है ट्रैक्टरों का, गाड़ियों का। तो अब तुम्हें देखने को मिलेगा कितना लंबा काफिला है भाई, गिनती गिनती थक जाओगे, पर ट्रैक्टर आने बंद नहीं होने के, इतने ट्रैक्टर हैं, एक पे एक ट्रैक्टर आते ही जा रहा भाई, आते ही जा रहा। और भाई सारे ट्रैक्टर गांव दबथवा के हैं, लो भाई देखते जाओ ट्रैक्टर पर ट्रैक्टर। तो भाई लो इतने में अपने कृष्ण ताऊ भी आ गए, मुंह पे वार के डांटा, और धरती से लगे जा रहे लगे जा रहे, फुल स्पीड में ट्रैक्टर चला रखा। लो भाई देखो सारे गांव की लंगार है, देखो ये सारे अपने मोहल्ले की थी। लो भाई गाड़ी भी आनी स्टार्ट होगी। तो लो भाइयों बहादुरपुर गांव में एंट्री ले ली है, और अब हम आगे अन्नू रानी के मकान के पास में, मतलब गोल्ड मेडलिस्ट अन्नू रानी के मकान के पास में अब हम आ चुके हैं। तो भाई बहुत सारा काफिला है, गाड़ी है, ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर पे आदमी है, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बहुत पब्लिक है भाई। देखो गांव की पब्लिक कैसे देख रही भाई, खुशी की बात भी है बहुत। अपने भारत में और अपने यूपी में और अपने गांव दबथवा में, अपने मेरठ शहर में गोल्ड मेडल आया, बहुत खुशी की बात है भाई। तो भाई बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी भी आ रही है, ट्रैक्टर भी हैं, स्कॉर्पियो, बुलेरो, फॉर्चुनर हैं, ट्रैक्टर भी है बहुत सारे, फोर्ड, फार्म ट्रैक, आइशर, मैसी, महिंद्रा, अड्डाल की ब्रांड की ट्रैक्टर गाड़ी आ रही भाई। भाई देखो बोर्ड लगा लगा आ रही, हाथ हाथ में ईख गंडा भी है। देखो भाई ये सारे अपने गांव की लंगार है भाई, साइलेंसर भी बैठ दिया ट्रैक्टर का, हाथ में ले बैठा भाई। देखो तो गांव के बब्बा जी मिले एक हमें, हमने उनसे थोड़ी सी बातचीत की कि भाई गांव की लड़की गोल्ड मेडल लाई दूसरे देश से जीत के, तो कैसा महसूस कर रहे। तो बब्बा जी ने कहा बहुत अच्छा महसूस हो रहा। तो भाई अब हम आगे पब्लिक की तरफ, तो देख सकते हो कितनी भारी मात्रा में लोग आए हुए हैं। और भाई सामने स्टेज लगी हुई है वहाँ पे, आरएलडी के और बीकेयू के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं।
तो भाई देख सकते हो कितनी भारी मात्रा में आदमी आ रखे, भाई बहुत पब्लिक आई है। और उस पर बोल रहे कि जितने आने थे उतने नहीं आए, और बाकी मेरी निगाहों में तो काफ़ी पब्लिक आई हुई है। तो भाइयों यहाँ पे कुछ नेता लोग अपने भाषण दे रहे थे और अलग अलग बातें बता रहे थे, तो उसी के बीच में मैं बीच में तो जा नहीं पाया, मतलब सामने तो जा नहीं पाया, जस्ट काफ़ी भीड़ हो रही थी। तो मैंने हंसे ही अपना कैमरा थोड़ा जूम कर लिया, तो मुझे लगता है आप लोगों को जयंत चौधरी और उनके जस्ट बराबर में अनुरानी बैठे हुए चमक रहे होंगे। तो भाइयों जूम करके इतना ही दिखा पाया मैं, पर बाकी चमक रहे होंगे आपको। तो यहाँ पे थोड़ा सा सम्मानित किया गया इन्हें। तो भाई मैं यहाँ पे आया था वीडियो की एंडिंग करने के लिए, तो मैं सबसे पहला बोल लूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। भाई बढ़िया बढ़िया वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी जैसा मेरे पर बन रही है आप देख ही रहे होंगे। तो भाई यो अक्षित बैठा हो मेरे बराबर में हुक्का पीट था, जैसे आपको दिख ही रहा होगा वीडियो में। अब जैसे के बापू जाके दिखम्मा यो वीडियो, मगर अंकल लमडा हाथ से निकल लिया था रे। तो भाई ये तीन घरते बेरो बिरान फिरे, मैं तो फिर हुई हूँ और ये भी फिर हैं। तो भाई ये नु कह रहे थे मेरी वीडियो भी यूट्यूब पर गेट दे, मगर लो भाई गेट देख लो।